चाहे कोरोना लगा ले एड़ी चोटी का दम, जीतेगा हिंदुस्तान हर दम। लगा लो वैक्सीन एकदम, मुस्कुराता नजर आएगा हिंदुस्तान हर दम। प्रदीप यादव आज निकले हैं अपनी साइकिल पर कोरोना को चारों दम चित करने के लिए। ये तभी संभव होगा जब लगाएगी हिंदुस्तान की जनता वैक्सीन। साइकिल पर वैक्सीन लगाएं, कोरोना को भगाएं। लिखकर 21 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव निकले। वैक्सीन लगाएगा भारत तभी कोरोना को हराएगा भारत के मूल मंत्र के साथ विधायक जन जागरूकता के लिए निकले हैं। पहले कांग्रेस कार्यालय दुमका पर रुककर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनता को वैक्सीन के फायदे समझाए, फिर अपनी साइकिल पर सवार होकर आगे की पथ पर चले। इस बार विधायक की साइकिल जामा में रुकी, जहां उन्होंने वैक्सीन लेने का तरीका समझाते हुए जागरूक किया और फिर आगे चल दिए। जरमुंडी में विधायक ने साइकिल जागरूकता अभियान पूरा किया, जिससे पहले प्रदीप यादव वैक्सीन सेंटर, रेड क्रॉस सोसाइटी दुमका आदि जगहों पर जनता से मुखातिब हुए। पूरी साइकिल जागरूकता रैली में विधायक ने कोरोना वैक्सीन के फायदे गिनाए और लोगों से टीका लेने की अपील की। विधायक प्रदीप यादव हर बार अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी क्रिकेट का बल्ला थामे मैदान फतेह करते हैं, तो कभी गरीबों की सुरक्षा में अपनी जी जान लगा देते हैं। इस बार विधायक ने साइकिल जागरूकता रैली निकाली है, जहां बिना भीड़ भाड़ के खुद साइकिल से 21 किलोमीटर का सफर तय किया। फिर सेंटर ब्रेक होगा धीरे धीरे। आज जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा? हाँ, उसकी कठिनाई हो रही है अभी। भारत सरकार इस गाइडलाइन उसको पंचायत में सीएससी को जो है जिम्मा लगाई, सीएससी जो है पंचायत में रजिस्ट्रेशन करके देगा और उसके अभी करो, नहीं तो नहीं होगा। इससे करके देखिए, आप जो कह रहे हैं, क्या नाम हो आपका? अनूप कुमार सर। अनूप जी, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, पहले पंचायत स्तर पर लगाया जो 45 वर्ष से अधिक उम्र का था, उन लोगों के लिए ठीक था। मेरी बात सुन लीजिए ना, आपकी बात सुन लीजिए ना पूरी बात। अभी ये भारत, देखिए इस वैक्सीन को आप सबको पता है कि नहीं, ये राज्य सरकार खरीद के लाई है वैक्सीन, झारखंड सरकार खरीद के लिए, भारत सरकार इस वैक्सीन को नहीं दी, खरीदी। लेकिन गाइडलाइन है भारत सरकार का, नियम वही बना दिया, क्योंकि वैक्सीनेशन का उनका शॉर्टेज है, इसलिए इस नियम को बना दिया है। हम सरकार, राज्य सरकार प्रयास कर रही है, कल भी हम बात किए थे कि जैसे ही वैक्सीन की संख्या बढ़ाएगा फिर पंचायत स्तर तक जाएगा, इस रजिस्ट्रेशन को फिर समाप्त भी करेगा। जो आप बात कर रहे हैं वो बात हम भी खुद कह रहे हैं, क्योंकि आपसे हम जो फीडबैक लेते हैं, मेरा काम है सरकार तक पहुंचाना, इसीलिए तो घूम रहे हैं। आप जैसे नौजवान तो जागरूक है, कुछ लोग अभी भी भ्रम में है। हम लोग तो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा आदमी है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो मोबाइल चलाने ही नहीं आता। हाँ, सही बात है, उसी के लिए कह रहे हैं। सीएससी में जो है बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग तो सीएससी में कराना चाहता है, कुछ लोग ऐसा भी है जो नहीं भी कराना चाहता है, डर है। हाँ, वही जो डर है, डर जो है उसको दूर करना। हाँ, तो उसको हम और आप ही कर सकते हैं, हम और आप कर सकते हैं। हाँ, सरकारी कर्मचारी को गाँव गाँव घूम के सरकारी कर्मचारी पर उतरा लोग जो है गाँव गाँव सब बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो वो हम लोग उसी में निकले कि लोगों को कन्विंस कर सके, लोगों को बता सके कि भाई आपको नहीं रखना, लोगों को क्या कठिनाई है उसको भी सरकार तक पहुंचाना है, इसलिए सब लोग मिल करके इस वैक्सीन को लेना है। बस तो सब लोग लीजिएगा ना, जरा हाथ उठा के हमको बताइए, इनकलाब इनकलाब का जरा कभी नहीं है। आपने देखा होगा कि विगत एक साल से भारत ही नहीं पूरी दुनिया कोविड के प्रकोप से तबाह है, और इसका एक ही विकल्प है इस कोविड से बचने का, जो विशेषज्ञों ने, चिकित्सकों ने और वैज्ञानिकों ने खोज ढूंढा है, वो है वैक्सीन। यूँ तो आप कहें कि वैक्सीन में इस देश में देरी हुई, मैं उन राजनीतिक कारणों में नहीं जाना चाहता। सच तो ये है कि देश की सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण से आज हम भारतवासी जूझ रहे हैं इस कोविड से। कांग्रेस का प्रयास है, कांग्रेस ने एक संकल्प लिया है पूरे देश में कि भाई 100% यहाँ के लोगों का वैक्सीनेशन हो, वैक्सीन का टीका ले। और आप देखते होंगे, अनुभव किए होंगे कि गांवों में आज भी एक भय का माहौल है। मैं थोड़ी देर पहले जामा ब्लॉक में था, खुद वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, वहाँ के थाना प्रभारी, यानी समस्त पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी बता रहे थे कि गाँव में लोग टर्न अप नहीं हो रहे हैं। एक झूठी अफवाह फैल गई, एक भ्रम सा फैल गया है कि वैक्सीन के टीका लेने से लोग बीमार पड़ते हैं, लोग मर जाते हैं, जबकि ये सच नहीं है। इस भ्रम को हमें दूर करना है, एक जागरण करना है, लोगों में जागृति लानी है
और उसी जागृति लाने के क्रम में आज हम सब सड़क पर निकले हैं साइकिल लेकर के। और कांग्रेस ने मुझे संथालपना का कोऑर्डिनेटर बनाया है, मेरे कंधे पर ये भार दिया है, मुझे जिम्मेवारी दी है। उसी जिम्मेवारी को निभाने के लिए, आम जनों को जागृत करने के लिए एक ही विकल्प है, आप वैक्सीन लगाएं, कोरोना भगाएं, कोरोना से बचें, इसी नारों के साथ। यही एक मूल मंत्र है इस राज्य को बचाने के, आम जनों को बचाने का। उसके लिए हम सब सड़क पर निकले हैं।